बोला बहुत तेज तूफान आ गया है, दिमाग ही खराब हो गया सुबह सुबह। अच्छा ये शहर है पाली को, वो मीटिंग में खून आया है। देख सपना रही, गोलू रही, तू रोगी फिर सारे परेशान होगी। तो इसमें कोई पेन वेन होता है या फिर ऐसे? पायल को यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा। ये पायल का रूम है, शेर है तू मेरा शेर। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस टाइम रात के 12 बज गए हैं और पायल को वही निमोनिया वाली दिक्कत है। डॉक्टर आ रहे हैं अभी घर पे और इसको लगाएंगे ड्रिप। फिर अंदर लेट जाना, यहाँ क्यों बैठी है? अरे बहुत लेट हो गया, 11 बजे आने वाले थे, अभी 12:15 हो गए हैं। क्योंकि ना कंफर्म नहीं था ना अभी और ड्रिप लग रही है लग रही, तो मैम को दिखा के आई थी। मैम ने कहा अभी 5 डोज और लगेंगे, उसके बाद फिर एक बार मैं चेक करूंगी, उसके बाद कंफर्म होगा कि ठीक हुई कि नहीं। भैया यहाँ पर बापू के तीनों बंदर सो रहे हैं, एक बंदर जाग रहा है, ये तो नशे में रहता है। गोलू पता नहीं दूध के साथ क्या देती है इसे, ऐसे जब भी हो ऐसे करता आंखें। तो गाइस मैं जब भी रूम में आती हूँ ना, जब भी मैं ऐसे रूम में राउंड मारने आती हूँ ना हर 15 मिनट में, तो जैद को देखती हूँ, सबको देखती हूँ, जैद मेरे को देखता है दीदी एक आंख से हमेशा देख रहा होता है। मैं कहती हूँ सोता ही नहीं लड़का, सोता ही सबसे शरीफ ये है मेरी तूबा। अच्छा सबसे शरीफ, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, रोती भी नहीं है ना, ये बोलता ये बड़ा है ना, इनसे जगाएगा ये सबसे बड़ा है ना इसलिए। तो आजकल ना चीकू को टीम से बाहर कर रखा है, उसको टाइम से पहले सुला देते हैं बेचारे को। आजकल वो उसका ध्यान ना नितिन रख रहा है, मैं रख रहा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। कल सुबह मुझे काम से जाना है पासपोर्ट ऑफिस और उसके बाद मुझे परसों जाना है दिल्ली। तो 2-4 दिन इतनी भाग दौड़ है ना पूछो मत। तो आज सपना ने मुझे गाना गाते हुए देखा और कहने लगे यार भाई तू तो बहुत मेहनत करता है। वाकई में करे भाई, कितनी मेहनत करता है ये लड़का ना, मैं इसको बोल रही संदीप तने सोना बहुत कम कर दिया, ये सिर्फ 3 घंटे सोता होगा मेरे को ये लग रहा है। मैंने तू रात न ये 3 बजे सोता है और सुबह पिए सबसे पहले उठता, पहले कभी भी नहीं उठता था इतनी जल्दी ना। अब सुबह 9 बजे तो उठ जाता है, 8-9 बजे तो। दीदी अब 3-3 जिम्मेदारी और भी तो बढ़ गई है ना, तो मेहनत भी बढ़ेगी, अब बच्चों का भविष्य तो यही बनाएंगे ना। कोई बात नहीं, क्या बाप दिन रात मेहनत करेगा, सो जाएंगे बुढ़ापे में अगर ये सोने देंगे तो है? नहीं अभी तो कुछ नहीं पता। देखो अभी तो आने वाले 2 से 3 साल तो गाइस नींद तो जाने वाली हमारी। वैसे तो चीकू पापा ने वाली नानी रख दी है सोने के लिए, बट ठीक है नानी होती है बट नहीं नींद आती ना पहले, जितना मर्जी बच्चे होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है। फिर जाके देख, तेरी बात सुन के ना फिर जाके। ओहो देखो ना, देखो ना क्या हुआ बिट्टू, आप सोते क्यों नहीं हो, आप कितनी नींद कच्ची। देखो सुन तो ये भी नहीं, कान तो इनके पास भी है पर ये नहीं उठेंगे, करने दो बात। अपने व्लॉग हम बड़े होके ना देख लेंगे। सम्मो संदीप है ना, 1 महीने में जाके इसका इतना होएगा पूरा। प्रीमेच्योर हुई है ना ये, जल्दी हो गई अपने हिसाब से। ये 36 वीक्स का पूरा हो गया था 5 दिन ऊपर, ये 36 वीक्स की नहीं हुई थी अभी, ये छोटी थी। पायल जब भी तेरा अल्ट्रासाउंड होता था ना, फीटस ए की जो एज आती थी ना गाइस और फीटस बी की, तो ये हमेशा ना 8 दिन छोटी थी। अगर अयान जब भी पैदा होता ना तो ये 8 दिन छोटी होती, अपने टाइम से 8 दिन छोटी भी है। तो गाइस मैं तो सो रहा हूँ, बाकी पायल अपने ड्रिप लगवा लेती है, उसके बाद ये भी सो जाएगी आराम से। तो भाई साहब आ गए हैं पूरे 12:30 बजे। लेट हो गए ना? लेट नहीं, वो काम आ गया था ऑफिस का। है क्या हो गया था? हमें पता ही नहीं था इंजेक्शन लगना है, उनको तो पता ही नहीं था क्या डोज लगनी है। नहीं पता था आपको? नहीं, मैं गोलू सर को फिर दोबारा बोल दिया सर। गोलू फटाफट से मेरी दवाई ला दे, मैं दवाई खा लूं। अरे यार दवाई से याद आया, आज मेरी कैल्शियम की दवाई भी रह गई थी। काम करती हूँ मैं, अपनी कैल्शियम की दवाई भी लेके आती हूँ, तेरी भी लेकर आती हूँ और इनकी भी लिया और आपकी भी ले आती हूँ। तो गाइस मेरी ड्रिप हो गई है और आज मैं ना ये जो बैंडेज है ये चेंज करवा रही हूँ, क्योंकि ना ऑलमोस्ट खराब हो गई है, तो दूसरी लगवा रही हूँ ताकि इसमें और भी ड्रिप ना यहीं से चढ़ सके। कहीं और से ना प्रिक करवाने का बिल्कुल मन नहीं है। और इसके बाद नेबुलाइजेशन होगा। काम में तेरा राम भी है ना पूरा, पहले पता चल जाता है ना मैडम ने इन्फेक्शन तो पहले दवाई देती है। अरे पहले एक्सरे नहीं करा सकते थे ना, बच्चे पेट में थे। अच्छा नहीं करवा सकते, इन पे रेज जाती ना। तो मैं सो गया था अभी, देखो टाइम हो गया 1:44, भूख लगी मुझे नीचे से आ गई, ऊपर सोने की जगह है ही नहीं क्योंकि सब भूख है। क्या ठंड लगी क्या? छींक मार रही है इसकी सॉक्स आपने उतारी है? मुझे लग रहा है की तूबा को ना ठंड लगी, लग भी रहा है मुझे। वहाँ पंखा तो चला तेज जिस कमरे में सो रही? ना नॉर्मल था टेम्परेचर, तो नॉर्मल है। एक्चुअली क्या ना गुड्डू, हम इसको डायपर नहीं पहना रहे हैं क्योंकि इसको मैंने बताया था ना रैशेज है बहुत, तो डायपर की वजह से ना वो सुसु कर रही है बार बार, वो गीली हो रही है, शायद गीली होने की वजह से उसको छींक आ। तो डायपर पहना दूं क्या? आप एक काम करो, देख ले रैशेज ना हो, वही इसीलिए शायद छींक मार रही है। थोड़ा ना एक घंटे में चेक करो, जब भी वॉशरूम जा रही है ना तो चेंज, वॉशरूम जा जब भी सुसु कर रही है। ठीक है ठीक है। तो रात के 2 बज रहे हैं, लड़का नहीं उठा, सो रहा है लड़का, उठ गया सो नहीं रहा। अच्छा सुनो, आप बिल्कुल गोलू जैसे हो गए, जैसे गोलू को बोलना कुछ होता है और बोलती कुछ और ऐसे। हांजी शोनिका की आपको ठंडी ठंडी लगी थी, आज इसने नई टी शर्ट पहनी है।
पिंक कलर की है, छठी थी ना तो छठी में ग्रीन पेन। ये कह रहा है पापा मुझे घुमाने ले चलो, मैं बोर हो रहा हूँ घर में। अच्छा अयान की एक बात है, अयान सोता है तो सोता है, पर अगर उठता है उसको उठता है तो इसको ये चाहिए कि मेरे को कोई बंदा लेके घूमे, ऐसे शांत नहीं होता। ऐसे आपने सुना था ना कुछ बच्चे ऐसे उंगा करके रोते हैं, अंगा ये ऐसे रोता है अंगा अंगा। दो दिन पहले ना रोते रोते ऐसे बोला था माँ, रोते रोते हाँ कसम से, मैंने कसम से बोला सुना तो प्योर ऐसे देखो ऐसे माँ बोला बोला ऐसे क्या वाह। ये ऑडियंस से बात करना चाहता है, बात करो बेटा आप करना चाहते हो। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन बोल दो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बोल दो। जब से बच्चे हो ना हमारी शक्लें बिगड़ गई सबके। तो यार बच्चे होंगे तो हमें जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ना। ये क्लिप लगा कहाँ घूम रही है रात को, ये चीकू ने दी थी। अरे मैं बताती हूँ, पायल से कोई टाइम पूछेगा ना तो छोटी घुमा के पूरी दिखाएगी टाइम। ये देखो घड़ी भी है। अच्छा ये सही है बात, आजकल पायल का टाइम नहीं है वॉच पहनने का, तो मैं छोटी में लगा लेती हूँ। सही है। तो गाइस बहुत तेज तूफान आ गया है और सारे कपड़े भैया तितर बितर हो गए। मम्मी सारे कपड़े गिर गए, तो नीचे तो नहीं गिर गए? नहीं नीचे नहीं, देखता हूँ एक बार। जो बारिश आ रही है अंदर, सारे कपड़े अंदर करो। तो ये वाला हम दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही है, कि ज़ैद और सपना यहीं सो रही है क्योंकि इसको ठंड ना लग जाए ना। वो वाला गेट भी बंद करना पड़ेगा मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बज गए भैया 7:30 और अभी मैं निकल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस के लिए। मजेदार से भैया चाय और छोले वोले आ गए हैं, ये खा लेता हूँ और निकलता हूँ। फाइल ले जाऊँ? हाँ हाँ भूलना मत याद ही के। तो गाइस फाइल की तबीयत ना खराब हो रही है, चलें डॉक्टर में चलें? ऐसे ही आप उधर जाओ, मैं गोलू सा जाओ। कैंसिल कर देता हूँ, हो जाएगी। कहाँ दर्द हो रहा मुझे बता, पूरी बॉडी दर्द हो रही, सामने दिक्कत हो रही। एडमिट हो जाए, इसको एडमिट कर दे हॉस्पिटल। रो मत ना बेटी, मैं हूँ ना, मैं यूं गया यूं आ जाऊंगा, एक मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? रो मत, चुप हो जा। मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल, ले जाती हूँ, अब जाओ। सांस नहीं आ रहा, कुछ खाया था ठंडा वंडा? कपड़ा बांध ले सिर पे, ऐसे घूम रही है तब से। हाँ भाई थोड़ा परहेज कर लो। मैं तो नहाए भी नहीं, सब भी नहीं धोया मैंने। तो बेटा कपड़ा तो बांधना पड़ेगा ना, पहले ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ना, होता रहे। एडमिट हो जा, छोड़ तू सारे काम छोड़, ठीक हो? मम्मी का ध्यान रख यार, मम्मी रो रही है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है बेटा। तबियत खराब हो रही, रो मत ना, मेरे बच्चा बना कर रहा है जो बाल ड्राई करा के, ठंडी हो रही बेटा। हाँ इतना सॉलिड पर्सन है तू, ऐसे मत कर, ठीक है? हो जाएगी, बस मैं यूं गया यूं आया। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए और मेरी डेट थी 10 तारीख की, पर मैंने बहुत जल्दी ले ली थी, 2 तारीख आ चुकी। मुझे ना बाहर 2-4 गाने शूट करने जाना है और पायल की तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बोला पायल मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं घर रह जाता हूँ, तो कह रही तो बहुत दिन बाद, यानी कि 3 महीने बाद मुझे दोबारा डेट मिली है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जा आता हूँ फटाफट आके पायल को, शायद मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और आज एडमिट कराना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद निकलना मुझे दिल्ली के लिए। दिल्ली मुझे काम है, एक इंटरव्यू है एबीपी में मेरा, मतलब मेन ऑफिस में इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू निपटाना है। उसके बाद शायद मैं रात को वहाँ से चलूँ, मतलब 2-4 दिन इतने हेक्टिक है ना मैं बता नहीं सकता। तो भैया हम पहुँच गए पासपोर्ट ऑफिस और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं कब तक हमारा नंबर आता है। तो गाइस जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हुआ नहीं, आपको पता ही है पासपोर्ट डिपार्टमेंट में एक एक चीज़ मायने रखती है। एक आधे डॉक्यूमेंट्स में घर से लाना भूल गया, तो उन्होंने बोला भैया आप दोबारा घर जाओ और अपॉइंटमेंट लेके आओ अगली। और ये अपॉइंटमेंट मुझे 2 महीने बाद मिली थी, अब अगली अपॉइंटमेंट पता नहीं कब मिलेगी। दिमाग ही खराब हो गया सुबह सुबह। तो भैया मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और साथ के साथ हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को मैं लेट सोया था, 3 बजे के आसपास सुबह उठा हूँ 6:30 बजे और अभी जाना है मुझे, मतलब 12 बजे के आसपास दिल्ली की तरफ। तो भैया लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। बाबू बाय जी को, अगर मैं घर पे नहीं मिली ना तो हॉस्पिटल आ जाना मिलने हैं। तो गाइस फिर से आ गए हैं ड्रिप लगाने भैया, और ये वाला जो है ना मेरा कैनूला, ये मुझे रात को निकालना पड़ा क्योंकि जो इसकी अंदर प्लास्टिक की सुई होती है वो मुड़ गई थी, क्योंकि फिट कराते हुए ये वाला हाथ यूज होता है ना, हाथ तो दोनों यूज होते हैं, पर ये ना यहाँ पे ऐसे मुड़ गई थी। तो चीकू के पापा ने रात को निकाल दी थी और आवाज से पता लग रहा होगा तबीयत खराब हो रही है, फिर से सांस फूल रही है मेरी। तो यहाँ पे जो है अयान भाई साहब मेरी रखवाली करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि चीकू गया स्कूल। अयान है एक तो शक्ल इतनी मिलती है ना पता नहीं चलता। तो गाइस मम्मी कंफ्यूज, माँ कंफ्यूज, तो सब कोई कंफ्यूज हो सकता है। मुझे वैसे नींद नहीं आती दीपक, और जब जितनी देर मेरा ट्रिप और ये चढ़ती है ना मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ऐसा दिल करता सो जाऊं अभी। कल मैं हॉस्पिटल में भी सो गई थी, ड्रिप से नींद आती है मुझे लगता है।
आती है भाई नींद? नींद नहीं आती, मैं टाइम से सोती हूँ इसलिए आ रही है। यहाँ ना हमारी तुबा सोई हुई है और उसके साथ मैं लेटी हुई हूँ। पंखा बिल्कुल हमने बंद किया हुआ है क्योंकि गाइस अभी ना यहाँ पे बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तुबा, आयान और जैद तीनों छींके मार रहे हैं तो अभी मालिश की है, नहलाया नहीं आज, मालिश करके कपड़े पहना के यहाँ लिटा दिया है। अब ये जब तक सोएंगे और मैं भी इनके साथ सोऊंगी क्योंकि तबीयत आपको आवाज से पता ही लग रहा होगा खराब हो रही है। तो गाइस यहाँ पे ना जैद भी हो गया रेडी, शोना भाई बन गया है नहा धो के, शोना बच्चा बन गया है, टोपी पहना दी क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड है तो पूरे कपड़े ऐसे तो हम पहनाते हैं। सपना दीदी, हाँ जी, मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, एक घंटा दो घंटे सो रही हूँ, पाल भी सो गई, फिर हम चलते हैं मार्ट घूमने। ठीक है, ठीक है, मैं जो कर रही हूँ इतना। ठीक है, आप भी रेडी वेडी हो जाना, फिर चलते हैं। तो गाइस कल रात को ना 3 बजे के करीब नींद आई थी और सुबह 7 बजे के करीब हम उठ गए थे, तो अभी बज गए हैं 11:12, 7 बजे से उठे हुए, इतनी तेज नींद आ रही है, बैठे बैठे झपकियां ले रहे हैं मैं और पायल। तो बस पायल सो गई है, चीकू के पापा भी सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए और मिलते हैं आप लोगों को 2 घंटे बाद। तो गाइस अभी एक छोटी सी परेशानी हो गई पायल को, वो मीटिंग में खून आया है और उसको लेके ना थोड़ी परेशानी। चल फिर चेंज कर लेना, ऐसे देर मत कर बेटी, 1 मिनट में ले, चल एडमिट करा दूंगा, एडमिट करा दूंगा। क्या हो रहा है मुझे बता, सांस नहीं आ रही, तो चल फिर खड़ी हो जा। चल रही हूं, बच्चों के लिए खून जल रहा है, का दूध पिलाऊं कि ना पिलाऊं, मां ने थोड़ा जी तो जल है, हो जाएगा सब, टेंशन ना ले। मां मैं तू डॉक्टर के पास जा, जब क्यों टेंशन ले रही है, रो मत। नूपुर मैम को कॉल किया है, मैम अभी वहीं है, आप फटाफट जाके दिखा लो। चल खड़ा बेटा, मैं हूं ना, मैं दिल्ली जाना, बस मैं ऐसे गया उड़ता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है, चल फिर खड़ी हुई, कपड़े चेंज कर, इसी में चलना है, इसी में चले। हाँ तो कौन सा, इसको कोई बीमारी होगा, निमोनिया है, वो खांसी है, अंदर भी हो जाएगा संदीप। हाँ सारे चेकअप करा दूंगा मैं। ठीक है, जितनी रोएगी ना उतनी परेशान होगी बेटी। रो क्यों रही, मुझे वजह तो बता, रो किस लिए रही, मैं नहीं हो गया साथ क्या? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए देख, सपना रही, गोलू रही, शांति रही, उसके बाद एक माँ और है, दूध पिला देगी है। क्यों परेशान हो बेटी, मैं हूँ ना, परेशान मत हो। ठीक है, मुझे फिर बुरा लगता है, देख मैं हूँ ना, तू परेशान हो रही है, फिर रो मत, रोएगी तो अंदर परेशान होगी, झटके लगे पेट में, ठीक स्टिचेस है अंदर, चुपो, ठीक चुपो, मैं जान। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे बस आप आ जाओ, मेरी बात हुई है, मैं कह रही सबसे प्रॉब्लम होती है फीडिंग की, मैं हूँ, दीदी है, हम दोनों देख लेंगे मिलकर, आप फटाफट जाओ और जाके बस चेंज कर कपड़े और जाओ। पायल को ना बहुत देर से समझा रहा हूँ, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप नहीं हो रही, कह रहे मुझे कुछ हो गया, तो मैं कुछ नहीं होगा, हो जाता कभी कभी, अभी सीटी स्कैन कराऊंगा, ठीक है, मैं रात को लेट निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए, ठीक है, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। चाय पी, चाय पी, दूध पी, दूध चाय, बोल मत, खाना खा। क्यों परेशान हो रहे हैं, मत रो ना, जिन देर से समझा रहा हूँ, पागल हो, अपने आप आ रहे, मैं रो नहीं रही, पागल है क्या, तू रोएगी फिर सारे परेशान होंगे, तुझे पता नहीं रोने देता तेरे को, अपने आप आ रहे, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे, पागल बातें मत कर, बस एक ही काम है, और नहीं खाने, चुप चुप बेटा, गर्म गर्म चाय पी। तो अभी निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए और बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक आएगा पायल का। एक तो हमें क्या करवाना पायल, सीटी स्कैन है और एक और चीज बता रहे थे वो डॉक्टर ने बताया ना। हाँ, तो बस अभी हमारे जो अडवाम वाले डॉक्टर, उन्होंने फोन कर दिया है, वहाँ पे जाते पायल का जो है सीटी स्कैन हो जाएगा, ऊपर वाले से दुआ सब कुछ ठीक हो कि आज इसको वो मीटिंग क्या मतलब, खांसी कर रही थी और खांसी में ब्लड आया, कफ में ब्लड आया, एक दो बार आया, उसी को लेकर थोड़े घबराई हुई है, सभी घबराए हुए घर में, तो आपको पता ही है, मैं तो बहुत रो रही थी, पर आपने मुझे समझाया ना, और वैसे भी टेंशन आप लोग साथ हो तो क्या, तो फिर रोने लगी है पागलों की तरह, नहीं ओ, मेरी जान, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं हूँ ना, मेरी उम्र भी तुझे लग जाएगी, ठीक है, मत करा कर, बहुत ही छोटा दिल कर रखा है तूने, इधर आ जा, इधर मेरे पास आ जा, बहुत छोटा दिल कर रखा, क्यों कर रखा है, क्या हुआ, हो जाएगा ठीक बेटी, अभी जाएंगे ना, अभी देखिए अभी पता लग जाएगा। एक तो क्या ना, अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, अगर वो मीटिंग में से खून आ भी गया ना पायल, जो खप में खून आ भी गया, क्या पता उसकी वजह से आ रखा हो, हाँ, हो सकता है, बस अभी पता लग जाएगा, और हर चीज का इलाज है, हो गया होगा, दवाइयाँ इतनी सारी चल रही थी, मेडिसिन इतनी सारी चल रही थी, आराम नहीं था, चीजें हैं, आराम करियो आराम से। तो ये वाला हॉस्पिटल घर से नियर अबाउट 10 किलोमीटर दूर है और बस पहुंच ही गए हॉस्पिटल में। पायल को अभी क्या दिक्कत हो रही है ना, पायल को अभी ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब बैठी है तो उसको सांस नहीं आ रहा, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कल भी मैंने प्रेगनेंसी है ना हॉस्पिटल कल मैं हॉस्पिटल में भी गई थी ना, इसमें एडवांस में, तो भी जैसे मैं गाड़ी से चल के सिर्फ वहीं तक गई थी, मैं सांस बहुत चढ़ा हुआ था, तो वो सर बोले कि आपको इतनी सांस क्यों चढ़ रही है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैं गाड़ी से यहाँ तक चल के आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पहले कभी जिंदगी में थोड़ी था कोई बीमारी, बस ये पहुँच गए हॉस्पिटल। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है, ब्लड टेस्ट से देखो मेरे बहुत बार हुए हैं, तो ऐसा कुछ होता तो पहले भी आ सकता है, और क्या,
हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं क्या कुछ होगी और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी पायल का पल्स रेट बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, बस अभी डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, डॉक्टर लंच करने गया हुआ है। तो फाइनली हम पहुंच गए सीटी स्कैन कराने के लिए और मैम बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है हमारी, मतलब सारा चीजें यही संभाल रही है, बहुत ही कमाल का, मतलब की बोल सकते हैं जैसे हम अरमान हॉस्पिटल था वही सर्विस हमें यहाँ मिल रही है, मतलब ऐसे क्यों सारे काम। तो पायल के कपड़े चेंज कर दिए सिटी स्कैन के लिए, हम सिटी स्कैन वाले रूम में पहुंच गए हैं और बस मूवी में देखा था मैंने, आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो इसमें कोई पेन वेन होता है या फिर ऐसे बिल्कुल पता नहीं लगेगा? डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल ही लग रहा है ना, शांत मत होना, ठीक है अभी ठीक हो जाएगी, सब ओके होगा, हो जाता है कई बार, टेंशन मत लो, ठीक है चलो। थोड़ी सी घबराई हुई है पायल और यहाँ पे मॉनिटर पे देखा जा रहा है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, डॉक्टर सुमित बताएंगे हाँ तो वही चेक करेंगे। पायल थोड़ी सी घबराई हुई है, मशीन इतनी बड़ी आदमी तो घबराएगा ना, पता लगे कुछ हो जाए ना, तो हो गया ठीक है। कुछ फील हुआ? नहीं फील तो पता नहीं लगा था, थोड़ा सा जब वो ऐसे अंदर जा रहा तब घबराहट हुआ। डर और टेंशन मतलब अब ठीक हो जाएगी बिल्कुल एक मिनट में, ठीक है ठीक। अभी डॉक्टर साहब चेक करेंगे उसके बाद हम घर चलेंगे, ठीक है मैं चेंज करके ठीक है। तो गाइस फाइनली पायल को यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बताएंगे किस वजह से क्या वजह है, डॉक्टर साहब बताना थोड़ी वजह बताओ। इनको ना चेस्ट में जैसे कई दिनों से खांसी चल रही है 2-3 हफ्ते से और अभी थोड़ा ब्लड भी आया है, तो इसमें क्या है कि बेटर थे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख के ना इनको ट्रीट करें, क्योंकि अगर ब्लड थोड़ा आया दवाइयों से कम हो जाए फिर तो दवाइयों से ठीक होता जाएगा, थोड़ा सीटी स्कैन में भी जैसे हल्की इन्फेक्शन आ रही है ना लंग्स में जी जी, अगर ब्लड ज्यादा आने लगे तो फिर ब्रोंकोस्कोपी वगैरह आगे कुछ करना पड़ता है, ठीक है एडमिट हो जाओ कोई बात। फाइनली गाइस पायल को एडमिट कर लिया है और अभी हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल। ये है कि ये पायल का रूम है और यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे शायद, कि वैसे अलाउड नहीं है इस हॉस्पिटल में बच्चे, पायल की तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल है और मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। और मैंने दिल्ली के सारे काम थे वो कैंसिल कर दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी काम थे वो अभी, फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की चीजें कि मैं एडमिट नहीं हो रही थी इस वजह से उन्होंने कैंसिल। हाँ भाई इससे जो बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, देखो जिंदगी में मैं बोलते ना कि कोई रहे ना रहे पर ये मेरी जान है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, सब कुछ मेरी बेटी मेरी जान है, तो पता है रोना बंद कर बेटा है ना, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, शेर है तू मेरा शेर, ठीक है। देख मैंने तेरे कितना मजेदार होटल लेके दिया। तो पायल का भैया ये देख लो यहाँ पे हम सो सकते हैं, पायल वहाँ बैठेगी और पूरा भैया हमने 5-स्टार वाला काम कर दिया पायल का, इसका दिल लगना चाहिए, ये कह रही थी मेरा दिल नहीं लगे मैं घर जाऊंगी, मैंने बोला हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टर ने बोला ना कि अगर ये चीज प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं मैंने हॉस्पिटल वालों को यही बोला कि जो यहाँ का सबसे मजेदार कमरा वो देना लड़की को क्योंकि इसका दिल लगना चाहिए। टीवी भी है देखे रहा सामने, टीवी भी है ना, सर्विस कैसी है? बहुत अच्छी है, मैं चेंज करके आ जा, बहुत ही कमाल की, चल ध्यान रख तू मेरी जान है तू मेरा बच्चा है, जल्दी आ जा चेंज कर। तो भैया पायल ने अभी चेंज वेंज कर लिया, अब तो आराम कर ले, सो जा ठीक है, कुछ खाना आ रहा है खाना खा ले कोई, ठीक है निकलवा दूं, बोलो इनको निकलवा दे, तू मत रो अब मैं तेरे को घूसा मारूंगा पायल, ठीक है अब तू परेशान मत हो, बच्चे ला दूं एक आधा, कौन सा चाहिए बता, लड़की ला दूं, हैं लड़की ला देता। तो गाइस मैं तो पायल को समझा के थक गया, बार बार रो रही है मेरी लाडली काकी, वो ऐसे ही आते हैं पता है, ज्यादा पानी पिया होगा कल तूने है ना, ज्यादा पानी पिया था इसलिए आ रहे हैं, ज्यादा पानी ऐसे आया बेटी है, बुखार हो रहा है, बुखार, एसी बंद कर दूं, एसी चल रहा है बेटा, मैं बोलता हूँ उनको एसी बंद करे, पंखा है यहाँ पे, पंखा तो नहीं है, कोई नहीं मैं एसी बंद करता हूँ, इसका जुगाड़ जगह देखता हूँ, एक्चुअली क्या ना इस होटल या हॉस्पिटल की सर्विस ना पूरी होटल वाली है, मतलब आपको वो एसी होता ना वो लगा हुआ एसी नहीं है, इनबिल्ट एसी है, ये देखो इसके अंदर से एसी दे रखा है। फाइनली पायल की डिमांड पे यहाँ पे सैंडविच आ गया, पिछले 1 घंटे से दोनों गायब थे, पायल कितनी देर में आए? मैं कितनी देर से वेट कर रही, भूख लग रही है। तो बाद में जग्गा ने बताया कि भाई मैं नीचे सारे कागजों के काम करवा रहा था, तो बहुत ही कमाल की चाय है ना पायल, अच्छी चाय है ना, लच्ची वच्ची डली हुई ना, बुलाया हाँ बुलाया, मैंने बोला कि आयान को लिया सिर्फ तू आ जा ठीक है ना, तो बच्चे के बिना मना कर रहे हैं, अलाउड नहीं है बच्चे को यहाँ, मुझे बताया पर उतना एक हफ्ते का बच्चा है ना उसके लिए है, चल कोई नहीं तो फीड भी करा लो, थोड़ी तेरी तबीयत भी ठीक रहेगी ना, मास्क ला दो तेरे को, मास्क लगा लियो, मास्क लगा लियो, मास्क लगा के फिर करा। तो पायल ने भैया आयान को बुला लिया है, लाइट बंद कर दो थोड़ी देर, सो जा, नहीं नहीं आधा घंटा लगेगा, बहुत दूर है घर के पास थोड़ी है हॉस्पिटल, आधा घंटा सो लो, हाँ सो जा ठीक है, लाइट बंद कर दो, ट्रिप भी अभी बाद में चलेगी। तो फाइनली यहाँ पर गोलू लेके आ गई आयान को, हाँ भाई क्या हो गया मम्मा से मिलने आए हो, मम्मा आपको नई ड्रेस पहनाई है, ये तो पैक कर दिया तुमने इसको पूरा, सही किया ना, आज बहुत ठंड थी गाइस, तो इसको ना बिल्कुल भी नहीं लाया नहीं है, सुबह मालिश हुई थी, मालिश के बाद मैं इसको डबल कपड़े पहना के लाई हूं, फुल पैक करके लाई हूं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय।